ये तो मणिपुर की घटना तो चल ही रही है। इससे पहले भी आप लोगों को याद होगा कि दो राज्य आपस में लड़ चुके हैं 80 दिनों के बाद, जब आज लोकसभा सत्र प्रारंभ हो रहा है तो देश के जो हमारी केंद्र सरकार है उसने अपनी चुप्पी तोड़ी है। अब कौन कौन लड़ेगा, कहां कहां लड़ेगा, किनके किनके साथ लड़ेगा, हम आप लड़ेंगे कि हम पड़ोसी के साथ लड़ेंगे कि अपने दोस्तों के साथ लड़ेंगे कि अपने रिश्तेदारों के साथ लड़ेंगे। देखिए मणिपुर में विगत 80 दिनों से पूरे राज्य में एक अराजकता की स्थिति बनी पड़ी। और कल तो एक ऐसा दृश्य देखने को मिला एक आदिवासी महिला को लेकर जो बयान नहीं कह रहा, अस्सी दिनों के बाद जब आज लोकसभा सत्र प्रारंभ हो रहा है तो देश के जो हमारी केंद्र सरकार है उसने अपनी चुप्पी तोड़ी है। और चुप्पी भी कैसे तोड़ी है वो भी आप सब और पूरा दुनिया देख रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जहां आप देश को विश्व गुरु बनाने चले हैं, देश के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में आपका भव्य स्वागत होता है, और अपने देश में राज्यों के अंदर गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं ये तो मणिपुर की घटना तो चल ही रही है। इससे पहले भी आप लोगों को याद होगा कि दो राज्य आपस में लड़ चुके हैं। अब कौन कौन लड़ेगा, कहां कहां लड़ेगा, किनके किनके साथ लड़ेगा, हम आप लड़ेंगे कि हम पड़ोसी के साथ लड़ेंगे कि अपने दोस्तों के साथ लड़ेंगे कि अपने रिश्तेदारों के साथ लड़ेंगे। ये बता पाना बहुत ही कठिन हो चला। कुल मिला जुला करके ये कहा जाए कि देश हर क्षेत्र में बिखर सा गया है, अस्त व्यस्त सा हुआ पड़ा है, और विशेष तौर पर मणिपुर की घटना पर हम घोर निंदा करते हैं। और मुझे लगता है कि आज जो घटनाएं
को लेकर के चर्चा हो रही है, ये इस देश के लिए और देश के इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ने का काम है।